नमस्कार, स्वागत है आप सबका जीवीएन 24 न्यूज पर। मैं हूँ आपके साथ तनिषा भारद्वाज। आइए नजर डालते हैं बिहार की एक महत्वपूर्ण खबर। भागलपुर में दुर्गा पूजा की धूम देखने को मिल रही है। बताते चलिए कि एक तरफ मेले को शांतिपूर्ण संपन्न कराने को लेकर जिले के हर थाने चाक चौबंद है, तो दूसरी तरफ माँ के भक्त भी कम नहीं है। वह अपनी सीने पर कलश स्थापित कर माँ की आराधना कर रहे हैं, जिसमें बांका जिला निवासी उपेंद्र मंडल 4 साल से अपने सीने पर कलश स्थापित कर मां की आराधना कर रहे हैं। वही सुल्तानगंज थाना क्षेत्र अशियाचक निवासी सुशांत कुमार भी 3 साल से अपने सीने पर कलश स्थापित कर मां की आराधना कर रहे हैं। वही दुर्गा मंदिर के अध्यक्ष सदानंद कुमार ने बताया कि दुर्गा मंदिर में जो भी भक्त अपनी मनोकामना लेकर सच्चे हृदय से आते हैं, माँ उसकी हर मुराद पूरी करती है। सुल्तानगंज प्रखंड के सभी प्रखंड वासियों को दुर्गा पूजा समिति नारदपुर की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं एवं अभिनंदन करते हैं। यह नारदपुर में जब से यह स्थापना हुआ है, इसमें 3 बरस के बाद यहाँ पे आदमी कलश लेके सोना छाती पे कलश लेके सोना शुरू किए हैं, जो कि 2 से 3 के जनसंख्या में रहता है। यह साल तो 2 है, अगले साल 3 था, मैंने प्रत्येक साल यहाँ पे कलश लेके भक्त जो है अपने सीने पे सोते हैं। अच्छा, ये बात, यह व्यवस्था हम लोग 2 पंचायत से मिलके करते हैं। आम सभा होती है और सभी जितने भी यहाँ पे कार्यकर्ता हैं, हमारे दुर्गा पूजा समिति के सदस्य, सभी कार्य को अलग अलग ढंग से निपटाते हैं, जो कि अभी तक कोई तरह का बलवा यहाँ पे नहीं हुआ है और ना उम्मीद है कि होगा। वैसे तो छोटा मोटा तो यह मंदिर विकास में हम कमरिया लोग से कुछ दान के रूप में चंदा भी लेते हैं, जिससे कि हमारा मंदिर का विकास हो और अपना देवघर जाने वाले श्रद्धालुओं को कुछ से कुछ तरह का व्यवस्था देते हैं, जैसे पानी हुआ, रहने का हुआ, कुछ से कुछ व्यवस्था देते रहते हैं और देंगे भी, और आगे जो है संभावना है कुछ और विशेष करेंगे। मेरा नाम सदानंद कुमार, मुखिया ग्राम पंचायत आसिया के। और 21 साल के माँ की ये सपना है कि हमें माँ के आँचल में माँ झर ढक के रखते हैं, सबके ऐसा एक ऐसा क्या करते हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। लगातार बिहार की तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहिए जीवीएन 24 न्यूज के साथ।